हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम झकास। तो बच्चों, आज हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं। जी हां, तो हम देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले बच्चों, हम एक प्लेन मिरर बनाते हैं, प्लेन मिरर लेते हैं यहां पर, और एक लाइट को बच्चों हम लोग यहां से इंसिडेंट करते हैं। कुछ इस तरीके से एक लाइट आ रही है, और बच्चों अगर यहां पर मिरर नहीं होता तो ये लाइट क्या होती, सीधी चली जाती कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ऐसे, है ना। मिरर आ गया तो मिरर के आने से क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई कुछ इस तरीके से। अगर ये मिरर यहां पर नहीं होता तो ये लाइट जैसे आ रही है सीधी चली जाती, लेकिन मिरर के रखने से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसी चली गई। यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल से आने वाली लाइट का जो एंगल है ये है एंगल आई, और उतना ही एंगल इसका भी होगा एंगल आर, क्योंकि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। सो एंगल आई और एंगल आई। ओके बच्चों, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट सीधी जाती। अब हमें ये देखना है कि मिरर के आने से, मिरर के रखने से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट जितना डेविएट हुई है, जितना वो बैंड हुई है, जैसे ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, ये लाइट इतना बैंड हुआ है, तो ये जो एंगल है इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन, जी हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन, ये चीज ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि आप देख सकते हैं। ओके अब बच्चों, यहां पर आपको बड़ा ध्यान रखना है एक चीज की, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि अगर ये वाला, ये पूरा एंगल देखो, ये पूरा कितना डिग्री है, 180 डिग्री। अगर हम इस पूरे 180 डिग्री में से अगर बच्चों हम ये आई प्लस आई को माइनस कर दें, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 180 माइनस आई प्लस आई, यानी कि 2i, ये हमारा निकल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों फॉर्मूले से तो हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया है ना, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन एक और तरीके से समझते हैं कि ये तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसे भी तो सोच सकता है कि ये लाइट ऐसे जा करके ऐसे बैंड हो गई होगी, तो उस कंडीशन में बच्चों ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा इसको एंटी क्लॉकवाइज समझता है, यानी कि सपोज कि ये एक मिरर है और ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये इसका ओरिजिनल रास्ता था जाने का, जो कि आप देख सकते हैं, और ये हम लोग यहाँ से बना लेते हैं नॉर्मल, ये है बच्चों आई और ये है हमारा आई। ओके अगर कोई बच्चा ये समझता है कि यहाँ से ये वाला एंगल अगर हम निकालते हैं, ये वाला देखिए ध्यान से, तो बच्चों एक चीज़ तो साफ है, ये हाफ, ये कितना है 180 डिग्री, है ना, ये वाला 180, जहाँ जहाँ आधा चांद बन जाए, आधा चांद मतलब ऐसा, ये होता है 180 डिग्री। अब यार चाहे जैसे मर्जी टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों ना हो, ये है 180 डिग्री, ठीक है, ये है 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री, जहाँ भी हाफ आधा चांद बन जाए वो है आपका 180 डिग्री, तो ये है 180 डिग्री। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, आई प्लस आई को प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिविएशन आएगा वो आएगा 180 प्लस 2i, यानी 180 प्लस 2i जो हमें दे रहा है, उस चीज़ को समझिए यहाँ पर थोड़ा सा, सॉरी ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्या दे रहा हमें, क्लॉकवाइज, जी हाँ, तो ये होगा हमारा क्लॉकवाइज। ओके तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से देख सकते कि एंगल ऑफ डेविएशन इसका क्या होगा। अब मैं एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ, मैं फिर बताता हूँ कि उसमें आप कैसे निकालेंगे। सपोज कि एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री के एंगल पर, कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पर, और ये इसका जाने का रास्ता था ओरिजिनल, ये यहाँ मिरर रखा हुआ है जो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर समझते हैं कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब मैं आपको दो चीज़ पूछता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज क्या होगा,
और दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, यानी कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये वाला रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो बच्चों ये वाला हम सबसे पहले निकाल देते हैं, ये वाली चीज है ना, ये क्या दे रहा है हमें, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि बच्चों 120 डिग्री आ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री। एक तो आंसर ये आ गया। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता, यानी कि ये वाला अगर डेविएशन पूछता आपसे, क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे क्लॉक ऐसे घूमता है ना, तो इसमें बच्चों 180 में प्लस कर देंगे अपन 60 डिग्री, 30 प्लस 30, यहाँ तक तो 180 है, उसके बाद 30 प्लस 30, यानी कितना आ जाएगा हमारा, प्लस करिए 240, जी हाँ 240 डिग्री, यानी कि ये हमारा आ गया बच्चों 240 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और भी न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलो एक बढ़िया सा प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या होगा। मान लीजिए बच्चों कि एक मिरर है और ये मिरर कुछ ऐसा है, 60 डिग्री के एंगल पर है, ये 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। यहां से एक लाइट आ रही है, पैरेलल है मिरर वन के, मिरर टू के पैरेलल है, सॉरी मिरर वन पर स्ट्राइक कर रही है, मिरर टू के पैरेलल है लाइट। ओके, ये लाइट बच्चों ऐसे आके टकरा के ऐसी चली गई। हमें बच्चों ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा, है ना, थीटा थीटा थीटा। फाइनल एंगल इमर्ज्ड विद मिरर, बच्चों ये 60 है, ठीक है। यहां से अपन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, नॉर्मल, ये नॉर्मल मिल गया हमें। अब बच्चों ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रही है ना, स्लोप जैसी, याद रखिए इसको ऐसे। इस पर बनने वाला सारे एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये चीज। तो ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60। अब 60 प्लस 60 120, ये पूरा आधा चांद बनेगा, यानी 180 डिग्री। तो इसको होना पड़ेगा 30 और इसको होना पड़ेगा 30, ठीक है। अब बच्चों ये 60 है, 60 है, तो ये एंगल आ गया 60 भाई। ओके, अब यार ये एंगल 60 है तो भाई ये कितना होगा, 60, यानी कि थीटा मिल गया मुझे 60 डिग्री, यानी ये आ गया 60 डिग्री। तो यहां से बच्चों ये भी निकल गया हमारा 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम 180 होना है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल इमर्ज भी निकाल सकते हैं। अगर हमें रे का डायरेक्शन दिया जाएगा कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, जैसे यहां से एक बार टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मिरर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी बच्चों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, लव यू।